स्टार प्लस के सीरियल कुल्फी कुमार बाजेवाला में कुल्फी अपने पापा सिकंदर से काफी हर्ट है, क्योंकि सिकंदर ने उन्हें अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया है। इसीलिए जब वो वहाँ से बाहर निकलती हैं, तो कुल्फी के दोस्त उसे घेर कर बैठ जाते हैं और फिर वो सब एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने के लिए वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ कुल्फी और उनके दोस्तों की गुमशुदगी की फोटोज पूरे शहर में लग चुकी होती हैं और अम्मा जी कुल्फी और उनके दोस्तों को ढूंढने में जुट जाती हैं। अब देखना होगा कि कुल्फी इस नई मुसीबत से खुद को कैसे बचा पाती है। जी टीवी के सीरियल तुझसे है राब्ता में कल्याणी अपनी मां अनुप्रिया की शादी के लिए आज पूरे गांव से भिड़ने को तैयार है। इसीलिए कल्याणी सबसे सवाल पूछ रही हैं कि अगर अनुप्रिया शादी करती हैं तो गांव वालों को उससे क्या दिक्कत है। इस ड्रामे के बीच अथर्व और संपदा भी डोली लेकर आ जाते हैं और कल्याणी अनुप्रिया को पूरे गांव के सामने जलील करते हैं। इस सारे ड्रामे के बीच मल्हार भी वहां पहुंच जाते हैं और केशव को लेकर वो अनुप्रिया से अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं और फिर गुस्से में कल्याणी को जीप में बिठाकर वहां से ले जाते हैं। मल्हार हर्ट है, दुखी है इस बात से कि एक माई ने मल्हार से बहुत सारी चीजें छुपाई हैं और ये नहीं बताया कि केशव जो उसके पूरे घर की जान लेना चाहता था, सबको मार देना चाहता था, वो उनका सगा भाई था। तो अब देखिए क्या होता है। दरार तो आ गई है माँ बेटी में और मल्हार और माई में। देखिए अब ये कैसे वापस ये दीवार जुड़ेगी और वापस इनमें फैमिली में गठबंधन होगा, क्या होता है अब देखते रहिए, इंटरेस्टिंग है। जी टीवी के सीरियल आपके आ जाने से में आज वेदिका की लाडली आर्या अपने पति गुड्डू का अंतिम संस्कार करती हुई नजर आई और जब साहिल आर्या को गुड्डू की मौत की सच्चाई बताने की कोशिश करते हैं तो आर्या का गुस्सा और भी ज्यादा भड़क जाता है और वो अपने पापा साहिल को थप्पड़ मार देती हैं। वेदिका आर्या को समझाने की तमाम कोशिशें करती हैं और साहिल की बेगुनाही की दलीलें भी देती हैं, लेकिन आर्या आज गुस्से के मूड में है और कुछ भी नहीं सुनना चाहती। साहिल वेदिका से सारे रिश्ते खत्म कर आज आर्या ने अपना अलग रास्ता चुन लिया है। स्टार प्लस के सीरियल नजर में तारा पर कर दिया है काली डायन ने हमला और ये डायन तारा के हाथ के अंदर छिपी चाबी को लेना चाहती है, लेकिन जैसे ही तारा जोर से चिल्लाती है काली डायन वहां से भाग निकलने में ही अपनी भलाई समझती है और मयंक भी दौड़कर तारा के पास आ जाते हैं उन्हें सुरक्षित रखने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ तारा और मयंक की शादी को अभी कुछ ही वक्त हुआ है, ऐसे में तारा पर ये हमला दर्शाता है कि मयंक राक्षस चाबी को पाने के लिए कितने उतावले हैं। शादी की है मुझसे और मेरी भी एक मजबूरी है जिसके लिए मैं ये शादी मान रही हूँ। मयंक मेरे पीछे पड़े थे क्योंकि मेरे अंदर एक ऐसी चाबी है जो कि मेरे अंदर है, जो कि उन्हें हासिल करनी है। दैट्स व्हाई